जी बात करते हैं हेल्थ सब सेंटर सोनपा की, जहां पे आज 1 बजे के करीब ताला लगा था। आज बच्चों का वैक्सीनेशन डे था और दूसरी तरफ जब हमने ताला देखा तो कहीं ना कहीं यहां पे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस जमन में हमने लोगों के साथ बात की, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा हल्के सोनपा पेठ एसोस हेल्थ सेंटर एम ब्रोट चूंकि योस खस्ताहाल बिल्डिंग में तो एम खतर गए डीसी सोबस निश बेमो बीरोस निश चूंकि पंचायत बाड़ी छ एम कोर कफी दौर दूब एम खतर तो एस कोर ये शिफ्ट हेल्थ सेंटर प्राइमरी स्कूलस मस यानी कि एस छ वनकनस एम खतर जॉय अवेलेबल बड़ बेहतरीन, मगर बदकिस्मती सान येतन छ वनकनस हेल्थ सेंटर बंद चूंकि वनकनस छ वैक्सीन डे यानी कि वैक्सीन छ एस गसान बटवार तो बे बोदवार तो मगर वनकनस छ बच्चे आमित एस योर तम छ गमित वापस, मगर वैक्सीन छन वनकनस मौकस पेट गमस किन। एस छ पन्ने तरफ गुजारिश करान बीरू बेमू सोबस डीसी सोबस चूंकि अगर ये हेल्थ सेंटर एस शिफ्ट कोर तमाम यम फैसिलिटी येतन छ वनकनस रोजन खतर तम छ अवेलेबल, मगर एस क्या छुन येतन वनकनस वैक्सीन अवेलेबल तो स्टॉप कत छ वनकनस एस एस गोस कम से कम स्टॉप आसुन। बो वोतुस मौकस पेट बच्चुस आ गामुक आ जिम्मेदार नफर आ केतन बो वोतुस मौकस पेट मे वुश एत ताला बंद आ छ कुलुब दित, मगर मैन तरफ छ यही गुजारिश चूंकि अगर एस यीज कुर्बानी दित हल्के सोनपहन तो एस कोर ये शिफ्ट ते एस करियो गुजारिश बेमू बीरू सोबस ते एस उस हल्के सोनपा छ 550 चूल कम से कम गोस एस अति अवेलेबल रोजन हफ्तस मज एक लट तो डॉक्टर मे कर तमिस वारिया लट गुजारिश बस वन ते यमी मीडिया थ्रू तमिस गुजारिश करान चूंकि ये छ 550 चूल सोनपा तो मेहरबानी करित एस थोय तोन हफ्तस मज तो एक लट डॉक्टर चूंकि सो वे क्या पेशेंट छ आसान यम न बीरू छ हेकान वतित किन तो बे छुस मे बे ते गुजारिश करान अगर एस एम खतर अवेलेबल बिल्डिंग एस क्या छ वनकनस मौकस पे वैक्सीन एस क्या छ नुमन बच्चन सफर गसान तो मेहरबानी करित बेमरु बीरो सोबस योकुन दी तावन तो योकुन दी दान हल्के सोनपास कुन अत क्या मसल छ मे छ बच्चस तमिस वैक्सीनेशन आज बस पत्म लटन बोदवार दस इमो दुप ना नेक्स्ट बोदवार यु तो आज छन वैक्सीन अवेलेबल कहीन वातस वोतुस बह रात तो तमो दुप ना सुबह ईजो तुम तो वैक्सीन करो अल आज वो सुबह योर ये तम कह बजे बंद पत्स आज बस साढ़ कह बे तो ये समखे मे आंगन आशा वर्कर फहमेदा जी तम वो दोपन ये ना वैक्सीन वनकस कहें तो तुम यू बटवार दह बुस दपा प्रत दह क्या दिन डेट दिन आज वन सुबह करो सुबह वन कल करो तो तम पम दपान अम ब्रो क्या ओनो तुम योर वैक्सीन कर जनो पत्म वैक्सीन ये कर्म जुतवे जुतवुह नवंबर तन पे वनुक तक तकरीबन अर्दा दह तो वनुक तान वोत ना ये वैक्सीन कहीं वोतान बे तो कुलुफ दि तुम वो पान ये पे गोडनिक वैक्सीन मे गुत पुनसम बच्चस पुनसम पत् वनुक तान वैक्सीन ये गहन वजह क्या अस ये असल अज तबसुम तमिस नाव तमिस मेटर्निटी लीव ये तो तम सी जाए ब्याह तिमन पान वन क्या ये तो तुम ये आसानी वजह क्या वन मे यमन वसो बीरू तेल बच्चे हेतु करो ती वैक्सीन तौर करो तमो जवाब दोक ना योर मह सूचो करो अति वैक्सीनेशन ड्राइवस तो सो कर पता कह। लोगों का कहना है कि आज वैक्सीनेशन डे है, पिछले 15 दिनों से हमें कहा गया था कि आज आपको वैक्सीनेशन करनी है बच्चों के लिए, मगर 15 दिनों से यहाँ पे कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई है बच्चों की। और आज जब हम सुबह यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आए तो यहाँ पे खाली एक आशा थी जिन्होंने हमें कहा कि मैडम जो है वो वैक्सीनेशन के लिए गई है हॉस्पिटल, मगर उसके बाद वो मैडम जो है वापस नहीं आई। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि ताला लगा है, 1 बजे के करीब है इस वक्त, और ताला हर एक कमरे में लगा है। सब सेंटर सोनपा जो बीरवा के सब डिस्ट्रिक्ट के करीब ही है, तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और इस सब सेंटर का, तो कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस जमन में हमने बीएमओ बीरवा के साथ बात की तो बीएमओ बीरवा का कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे कि क्यों यहाँ पे ताला लगा था और क्यों आज तक कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई है पिछले 15 दिनों से। इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगे और आखिरकार क्या वजह है कि दरवाजों पे ताला लगा था, वहाँ पे कोई मुलाजिम हाजिर क्यों नहीं था। ये सही है क्योंकि हेल्थ केयर सर्विस में ये 24/7 होनी चाहिए, मिलनी चाहिए हर एक बेनिफिशरी को जो भी वहाँ आ जाएगा, चाहे बच्चा आ जाएगा या कोई लेडी आ जाएगी या कोई मेल आ जाएगा ट्रीटमेंट के लिए या इम्यूनेशन पार्ट के लिए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, ये हमारा काम है। लेकिन बिकॉज ऑफ सम अनडिसाइडेड डिसीजन जो वहाँ हुए हैं, वहाँ स्टाफ
चूँकि आपको पता ही है सब सेंटर पर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्टाफ लिमिटेड होता है, MNHC एक होती है, वो फीमेल MP एक होती है, और नर्सिंग गार्ड या सी पर कोई होता है। चूँकि बदकस्मती है चूँकि बिकॉज ऑफ मैटरनिटी लीव वहाँ जो MLHC थी वो ऑलरेडी मैटरनिटी लीव पर है। दूसरी जो वर्कर वहाँ थी जिसको सेशन करना था वहाँ प्लान्ड सेशन था, जिन डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि सेशन था वहाँ, इन्वेस्टेशन होनी थी आज वहाँ, लेकिन सुनने में आया कि वो बीमार पड़ गई थी, वो रिपोर्ट कर गई थी, वो एडमिट थी हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ डैट रीज़न की, उस वजह से वहाँ चूँकि हॉस्पिटल में अमला भी नहीं उनको मिला और इमिग्रेशन भी नहीं हुई। हम पूरा इन्वेस्टिगेट करके पूरा बिल्कुल इस पर है कि हम बिल्कुल जो भी सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है, जहाँ भी जो भी फैसिलिटी होगी एज पर द मैंडेट जो सर्विस प्रोवाइड करनी है, हम कोशिश करेंगे कि लोगों को वो टाइम पर मिले, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। हम इसमें जो हमने लिया इसका यह अक्स लिया है कि हम ये पूरा इन्वेस्ट करेंगे कि अगर 20 नवंबर से या 20 जो बोलते हैं कि 20 नवंबर से वहाँ कोई सेशन नहीं हुआ है, रिकॉर्ड चेक करके लेंगे कि वो अगर वहाँ नहीं हुआ क्या रीज़न था, क्यों नहीं हुआ, लोड कम है या क्या इशू है, या एडमिट स्टाफ मैन पावर वहाँ नहीं था, वो हम देखेंगे। वो हम बिल्कुल इसमें यही पूरा ये आपके साथ ताउन करेंगे, वहाँ मिलना चाहिए जो भी सर्विस है एज पर हेल्थ एंड वेलनेस मैंडेट वो उनको मिलेगी इंशाल्लाह। ऑलरेडी वहाँ फीमेल MP जो ऑलरेडी इंचार्ज है, नेचुरली जब कोई लीव पर चला जाएगा, इंचार्ज चला जाएगा, नेचुरली जो नेक्स्ट वन होती है वो ऑटोमेटिकली इंचार्ज बन जाती है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि वो बीमार पड़ गई है, बीमारी तो किसी को बोल के नहीं आती है, उसका प्लान सेशन था, कल भी उसने ऑलरेडी एग्री किया है कि मैं सेशन करूँगी आज, लेकिन सुबह जब उठी है वो बीमार थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी बिकॉज ऑफ डैट रीजन, क्योंकि ये इमरजेंसी एक ऐसा इशू है, ये टेक्निकल पर्सन के बगैर कोई दे नहीं सकता है, नर्सिंग गार्ड या कोई स्वीपर या कोई दे नहीं सकता, इसमें टेक्निकल पर्सन की जरूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई कि वो बीमार पड़ी थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, दैट इज़ वाई कि वहाँ इनकनवीनियंस हो गई है बच्चों को। हम माजरत खान के लिए इंशाल्लाह कमिंग विद इन 1 or 2 days वहाँ सेशन इनाग्रेट करेंगे या सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे हम, अगर इशू रहेगा भी हम यहाँ से स्टाफ भेजेंगे, लेकिन सेशन वहाँ करेंगे।